Okay, good morning. Good morning to all of you. Am I audible? Good morning. Good morning. Good morning, bachche log. Good morning. Good morning, sir. Yeah, awaaz karo na yaar. Abhi awaaz aayi Afif ki. Okay. So, almost all have come except Vidhi. Vidhi has not come. सबसे पहले कैन यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डिस्कस विद यू एनीबडी कैन प्रेडिक्ट कि सर आपको ये डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले एनीबडी हू कैन थिंक कि सर को ये डिस्कस करना चाहिए पहले विधि ऑल्सो ज्वाइंड विधि टेल मी व्हाट वी शुड डिस्कस फर्स्ट टुडे इन इन फिजिक्स Afif, guesswork, Bhargesh, Om, Jitu, Maj, koi guesswork apne man ka? I don't like. Sir, that 500 question. That 500 meter. Bole na sir, usne kyun nahi aaya tha? Jara dekho na sir, kyun nahi aaya tha? 500 meter mein aapka bada odd answer aata tha sir. Kya problem tha? Yahan se body ko drop kiya tha aur yahan se body ko upar fika tha with 20 meter per second. और हमने बोला था कब और कहां दोनों का मिलन होगा यू रिमेम्बर दिस और हमने वी वर एक्चुअली कंफ्यूज्ड 100 मीटर लिखा तो आंसर आ गया था 500 मीटर में आंसर नहीं आ रहा था और इवन यू रिमेम्बर आई वाज गॉट आल्सो कंफ्यूज्ड कैसा क्यों हो रहा है मैंने इसका पता ये लगाया कि 20 मीटर पर जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन क्योंकि 500 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये क्या करता है मालूम है ये जब छोड़ के यहां तक आता है ये यहां तक रहता है तब तक ये यहाँ तक जाके वापस नीचे आ गया होता है और ये ऊपर हवा में होता है मिलेंगे कहाँ से दोनों क्योंकि 500 मीटर है ना इट्स अ ग्रेट हाइट 100 मीटर में हो जाता है दोनों का मिलन लेकिन 500 मीटर को मैं बताता हूँ इसका सपोज ए बी सी मोशन फ्रॉम ए टू सी इधर देखो मोशन फ्रॉम ए टू सी प्लीज नोट ए टू सी व्हाट इज एच इक्वल टू कौन बताएगा A to C, what is H equal to? Zero. That's right. क्योंकि वापस उसी लेवल पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा ध्यान रखना What is U equal to? 20. What is T equal to? T, total time आ गया All right. What is G equal to? That is a minus 10 meter per second. क्यों minus? Initially body को कहाँ फेंका है Initially body को ऊपर फेंका है कि नीचे प्यारे बच्चों ऊपर ऊपर तो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो h कितना है h इज जीरो u कितना है 20 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर तो 5t स्क्वायर इक्वल टू 20t व्हाट इज t इक्वल टू 4 सेकंड में तो नीचे आ चुका है अब तक तेरी तारीफ हो रही नीचे जिसने 20 मीटर पर सेकंड है उधर नीचे आ गया 4 सेकंड में और इसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा ए बी सी लेट अस से दिस इज ए वन और लेट अस से दिस इज बी वन लेट अस से दिस इज एच वन एच कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ए वन टू बी वन व्हाट इज यू इक्वल टू हाँ यू कितना लिखो यू कैन राइट 20 जीरो दैट्स राइट जी क्या लिखो सर पॉजिटिव 10 प्लस 10 मीटर पर सेकंड एच इज सपोज h1 एच इज सपोज h1 ऑलराइट तो और इसने एच एच जीरो हो गया 4 सेकंड में एच इज जीरो और इसका h1 कितना होता है ut प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर 4 × 16 इसने खाली 80 मीटर कवर किया है सुनो और ये 4 सेकंड में नीचे आ चुके दोनों का मिलन कहां से होगा 4 सेकंड में ऊपर वाले स्टोन ने खाली 80 मीटर ट्रेवल किया है और ये 4 सेकंड में वापस जमीन पे आके गिर चुका है क्लियर और नॉट एक मिनट समझा नहीं प्लीज टेल मी वापस समझाता हूं मैं 4 सेकंड इसके 4 सेकंड में हालत क्या होती है 4 सेकंड में नीचे यहाँ पे आके गिर गया जमीन पे आ गया
और इसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 मीटर. तो देयर इज नो चांस दे कैन मीट. या तो इसकी स्पीड बढ़ाओ, इसकी स्पीड बढ़ाओ, बना रहा हूँ लेट अस से 200 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ करेंगे तब जाके दोनों मिलेंगे, तब जाके दोनों मिलने के चांस है. शुड आई डू विद 200 मीटर पर सेकंड? बोलो इस प्रॉब्लम को करूं क्या 200 में 20 के बदले 200 मीटर पर सेकंड करेंगे ना, तब देयर इज अ चांस कि दे कैन मीट. शुड आई डू एक प्रॉब्लम करूं क्या ये वाला 500 मीटर और ये 200 मीटर yes, बोलो ना बच्चे. हाँ ओके okay, करते हैं. चलो अब ये प्रॉब्लम अभी लिखाने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने मुंतज एक नोट लिखो, एक नोट लिख डालो, ऐसा लिखो इन द प्रॉब्लम ऑफ 500 मीटर, ऐसा लिखो इन द प्रॉब्लम वेयर वी गॉट स्टक अप, ऐसा लिख दो वेयर वी गॉट स्टक अप व्हेन द हाइट वाज 500 मीटर. इन द प्रॉब्लम व्हेन वी गॉट स्टक अप व्हेन द हाइट वाज 500 मीटर द रीजन वाज The stone at the bottom comes back to ground in, क्या लिखेंगे in, इनके आगे तुम लोग बताओ जो समझे होंगे वो बोलेंगे, ये लिखो सर in, comes back to ground in sir 4 seconds. That is right. In four seconds. While in those 4 seconds, while in those 4 seconds, stone dropped from the top. Covers only. क्या लिखो? बर्गे तुम बताओ. बर्गे क्या लिखो? Covers only. 500 meter. No, very bad. Very bad. Covers only. 80 meter. 80 meter. 80 meter चलता है ना 4 सेकंड में. और ये तो 4 सेकंड में वापस नीचे गिर गया. Covers only 80 meter. And therefore the two stones can never meet in air. Therefore, the two stones can never meet in air. I hope that's clear. Aisa likho fir naya problem. Now let's do above problem with bottom stone having velocity of. Velocity of 200 meter per second. Velocity of 200 meter per second. And let height be 500 meter only. Let us say HT 500 minus HT. Can get the same time figure हम लोग A to C. अब की बार कुछ आंसर आना चाहिए, ये भी मैंने try नहीं किया है. अभी मैंने सोचा कि B to C. A to C. A में U equal to 0. G equal to plus 10. H equal to H. T equal to D. B to C में U is 20. G अपने आप लिखो, H अपने आप लिखो, T अपने आप लिखो. चलो करो.
Sir, you will be 200 meter per second, na? You will be 200. ये तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं वापस 20 लिखी दे तो इट विल बी सेम टाइम लाइक लास्ट टाइम जी क्या लिखूं जी जी क्या लिखूं तो माइनस 10 एच क्या लिखूं एच 500 माइनस एच और टी क्या लिखूं टी प्लस 2 या माइनस 2 टी विल बी बोला ही नहीं कि दो सेकंड के बाद फेंका ऐसा है क्या जरा चेक करो प्लीज चेक प्लीज चेक मेरे को याद नहीं है क्या था प्रॉब्लम में प्लीज रीड दैट प्रॉब्लम बेटा 500 जो सबसे पहले दिया था ना वो प्रॉब्लम में आफ्टर 2 सेकंड है कि क्या है After 2 seconds, another ball is projected vertically upward. Okay, very good. T minus 2 seconds. So apply the formula H equal to equation 1. Either (500) = 200t - 400 - 5t² + 20t - 20 - 5t² + 20t minus 20 minus 5t square which is 500 equal to 200t plus 20t to 20t minus 420 therefore 220t will be equal to 920 therefore t equal to 92 by 22 2288 4 point kuchu kuchu (4.18 seconds) H का आंसर आता है 87.43 meter और 500 माइनस एच का आंसर आता है 412.57 इसका समय का आंसर कितना है 4.18 और इसका कितना होगा समय ये देखो मस्त आंसर आ रहा है सो दैट आवर कॉन्सेप्ट्स गॉट मोर क्लियर नाउ अपने कॉन्सेप्ट एकदम मस्त हो गया अब मैं एक बार रूलर मारता हूं सो दैट इट बिकम क्लियर टू यू ये इसका पार्ट मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं और
क्या है मालूम है, कभी अपन फंस जाए तो ऐसा छोड़ नहीं देने का, जाने दे क्या हुआ मालूम नहीं, और छोड़ के अपन बोले बिना माइंड को ट्रबल नहीं देने का। 100 मीटर से आंसर आया ना, व्हाई अननेसेसरी बॉदर अबाउट 500 से नहीं आता है तो, बट इफ यू इन्वेस्टिगेट यू विल गेट द सिचुएशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नेवर लीव सिचुएशन में, कभी आप फंस गए तो मैं तो हूँ आपको हेल्प करने के लिए। कभी भी मेरे को पूछने का सर ये क्या चल रहा है सर, मेरा इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा है सर, ऑलराइट मेरे को कोई नहीं था, मैंने खुद ही एफर्ट किया कि क्या करूं, क्यों नहीं आ रहा है मेरा आंसर, क्यों फंस गया मैं बच्चे लोग के सामने। एंड अल्टीमेटली आई गॉट द आंसर, वो बोले चलो इसको कितना टाइम लगता है नीचे आने में, देखा तो 4 सेकंड में नीचे आ गया और वो अभी तक ऊपर था। इसका सिचुएशन क्लियर, और थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट बना दिया, प्लीज टेल मी। क्लियर, एकदम क्लियर ना? यस सर। ओके गुड गुड वेरी नाइस। एक बार मैं रूलर मारू, जब तुम्हारा टाइम हो तो मेरे को बताना सर, रूलर मारना चालू करो। डालू रूलर मारना चालू करूं बच्चों? ओ प्यारे बच्चों, यस सर। भर्गेश, भर्गेश कॉपी मारा, मास कॉपी मारा, विधि कॉपी मारा, यस सर। ओके, एवरीबॉडी शुड बी वेरी फास्ट इन कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड। ओके सुनो, ए टू सी, U equal to 0, G equal to plus 10, H is X, T is T. H equal to UT plus half GT square, half into 10 T square, half into 10 is 5. Equation number 1, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे H के बदले 500 minus H, U के बदले 200, T के बदले T minus Q, minus 5 into T minus 2 का whole square. यहाँ पे H के बदले मैंने 5 T square रख दिया, ये H के बदले 500 minus 5 T square, 200 T minus 200 into 400 minus 5 इसको expand किया, फिर इसको expand किया, और ये सब करते 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 T का आंसर ही आया। मतलब इसका आंसर 4.18 सेकंड, मतलब इसका आंसर 2 सेकंड कम, यानी 2.18 सेकंड। H का आंसर 5 T square था, तो H का आंसर 5 into 4.18 square किया, तो 87.4, ऊपर वाले स्टोन ने 87.43 मीटर ट्रेवल किया, नीचे वाले स्टोन ने 500 minus 87.43, 412.57 मीटर, इसलिए दोनों मिले। अगर आप इसको 25-30 मीटर पर सेकंड करेंगे तो लोडर के नीचे आ गया होगा, वो ऊपर हवा में ही होगा। इसके लिए हमने ये वेलोसिटी बढ़ाई और हमको पता चला कि दे मीट। ओके, इज दिस क्लियर? मिटाऊं इसको? यस सर। मिटा दूं ना? एक मिनट ना। कॉपी किया आपने सभी ने? यस सर। ओके, अगला प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं, अगला प्रॉब्लम लिखो। अ बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, from a height of 490 meter, find the time taken by the body to reach the ground. ये तो एकदम बच्चा प्रॉब्लम है, एकदम बच्चा, 10th स्टैंडर्ड का है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है how much distance it covers, how much distance it covers in 4th second,
distance covered in 4 seconds. देखो ये तो डायग्राम बने नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बना देता हूं आपके लिए। ये ग्राउंड है, यहां से एक स्टोन है, स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर। लोग बोलते हैं इसको ड्रॉप करने में सपोज टाइम टी लिखता है, तो टी कितना, दैट इज फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट पूछता है कि फोर्थ सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट कवर की, यानी कि इसको H4 भी बोल देते हैं, H4 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। प्रॉब्लम समझ में आया? मार्स मुझे प्रॉब्लम बता बेटा। मार्स सर एक बॉडी रिलीज्ड होती है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर। हाँ। 490 मीटर इन फिर उसकी हाइट फाइंड करने का है। ग्राउंड मेरे टाइम फाइंड करना है कि वो कब ग्राउंड पे पहुंचती है और डिस्टेंस आफ्टर फोर्थ सेकंड। ओके गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। सपोज ये है और ये बी है, तो ए टू बी U G H T, चलो करो फटाफट लिखो, H U G T। U कितना लिखो? 0। G कितना लिखो? 10। H कितना लिखो? 4 9, 10 नहीं, 9.8 दे दो क्योंकि ये इस बार 9.8 दिया है। और T कितना लिखो? T 4 सेकंड लिखो ना, में क्या लिखूं? A to B में T कुल 4 सेकंड या क्या लिखूं? Sir, T we have to find. T equal to T, very good. H equal to UT plus half GT square. H is 490. Half into 9.8 into T square. So 490 equal to 4.90 square. So T square equal to 100. T equal to 10. फर्स्ट पार्ट इज वर्क वेरी सिंपल, फोर्थ सेकेंड क्या लफड़ा है यार, आई डोंट लाइक फोर्थ सेकेंड। H4, एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट शुड वी डू? हमने याद है D4 निकाला था इन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, एट्थ सेकेंड, वो सब किया था। We have to find the distance traveled in 4 seconds and 3 seconds, and we have to subtract it, and we'll get the answer. That is right. That is one method. But मुझे एक बात बताओ, ये formula किसी को आया था? Dn का formula क्या था? You're right. It will take a lot of time, but Dn का formula क्या था? Distance traveled in nth second. हमने derive भी किया था. Who can tell me? G2, answer बता. G2 आंसर बताओ। G2 बेटा। So dn equal to ut plus a half n minus one. Very bad. Very bad. So it is u plus half a. Into bracket 2n minus 1. यहाँ पे hn का फॉर्मूला क्या होगा? चलो hn का फॉर्मूला सोचो जरा क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या आ जाएगा, क्या चेंज आएगा? खाली एक छोटा सा चेंज होगा, एक ही चेंज होगा। देयर इज नो अदर चेंज। इंस्टेड ऑफ एक्सीलरेशन देयर विल बी ग्रेविटी। दैट इज राइट, u प्लस हाफ g 2n माइनस 1। तो आई वांट h4 आंसर आ जाएगा फट करके। व्हाट इज u? What is the initial velocity with which the body is dropped? Sir, zero.
That is right. अरे एक ही आंसर दे रहा है मुझे. I don't like. सब लोग आंसर दो बच्चे लोग प्लीज. चार दुनी आठ, आठ में से एक गया सात. That is 4.9 × 7. 35 से कम. अगर पांच होता तो 35 होता और 4.9 ले 35 से थोड़ा कम आंसर होगा. Let's check 4.9 × 7 and that is equal to 34.3. इसको करने का मेथड बताऊं. 7 × I can write 5 − 0.1. 7 × 5 = 35. 7 × 0.1 = −0.7. तो ये आ गया 34.3. एकदम दिमाग ऐसे लगाओ मेरा तो this will become very easy. ये डायरेक्ट ली किया मैंने और ये मैंने ऐसे 4.9 को 5 − 0.1 लिखा. 7 × 5 = 35. 7 × 0.1 = 0.7. Subtract. Get the answer. That's the way. कितने लोग कोई समझ में आया? किसी को ऐसा डाउट है ये कैसे किया सर आपने कि ये बॉटम इजी और टॉप इजी विच इज बेटर? बॉटम इजी और टॉप? लिखो. लिखो अगला प्रॉब्लम लिखो. राइट डाउन. अगला प्रॉब्लम ये है आपके सामने. लिखो. अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 176.4 मीटर. Find the distance covered by it. Distance covered in last second of its motion. Last second of its motion. With what velocity it hits the ground? With what velocity it hits the ground? मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ उसके बाद में प्रॉब्लम पूछने वाला हूँ. ये सब आप कॉपी करो. इतना अंजू मेरे को 1092 निकाल के रखो ना. पहले तो ये बोला है कि लास्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन और कितने वेलोसिटी का ग्राउंड को हिट करके धम करके
कितनी वेलोसिटी से उसको मारती है ग्राउंड को. ये दो बातें, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे ये आंसर देगा देगा कौन देगा? ओम मिस्ट्री. ओम प्रॉब्लम बता. ओम यस बोल. So there is a body. There is a body. We have dropped it from the height of 170 meter. We have to find the distance covered at the in the last second. And what will be the velocity when it reaches the ground? That is right. Lovely. Very good. देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ. Can you see one thing? I look the problem like this. Suppose यहाँ से यहाँ आने में उसको 30 second लगते, कितने? 30 second में यहाँ से राइट. तो लास्ट सेकंड क्या हो गया? लास्ट सेकंड के पहले वाले सेकंड क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? बोलो एनीबॉडी. सपोज ये 12 सेकंड, तो ये लास्ट वाला कितना होगा? सपोज टी इज 12 सेकंड, तो ये कितना होगा? ये 1 सेकंड कम, यानी कितना? सो 11. ये टी, तो ये कितना? टी माइनस 1. टी माइनस 1. तो डोंट यू एग्री डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड and distance travel in t minus 1 second मालूम होगा. तो how to find distance in the last second? मुझे बताओ. How to find the distance in the last second? ht minus ht minus 1, that will be the height. ये distance minus ये distance will be distance in the last second. नहीं समझ में आया अभी भी? Total distance traveled in t second minus total distance traveled in t minus 1 second will be the distance it travels in the last 1 second. Suppose, 40 meter. नहीं आ रहे समझ में? एक मिनट, नहीं आ रहे समझ में? Understood. तो कोई बोलो यार, प्लीज बोलो. तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वन मेथड ऑफ डूइंग. हम लोग इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको ए और इसको बोलते हैं सी. तो मोशन फ्रॉम ए टू बी एंड मोशन फ्रॉम ए टू सी. चलो दोनों के बारे में लिखो, दोनों के बारे में लिखो, ए टू बी एंड ए टू सी. जल्दी जल्दी लिखो. यू यू G G T or T H or H. U कितना लिखूं? U 0. G कितना लिखूं? समय पता नहीं है. और H कितना है? H equal to d square is 36. T equal to 6 seconds. तो यहाँ पे t कितना लिखो? यहाँ पे t अरे वो बोला मेरे को
दीवा मेरे दरवाजे पर रख देना। एच इक्वल टू हाफ Therefore, distance traveled in last second. Equal to distance traveled in 6 seconds minus distance traveled in 5 seconds. That is equal to 176.4 minus 122.4. 0.5, sorry. Hmm? 53.9 meters. तो इसमें से 8 बचेगा, वो 8 देगा नहीं, दो दे रही हूँ ना तो 10 तो देगा ना, और 50 केला चाहिए, 8 केला के लिए। हाँ हो गया। With what velocity? The ball is here. Who will tell me with what velocity it is? It hits the ground. With what velocity it hits the ground? कौन बताएगा? बहुत आसान है. Motion from where to where? Motion from where to where? With what velocity it hits the ground? A to C. A to C किधर? ये B बेटा, B नीचे है. B इधर है. Sir, is the answer 58.8? Answer, I think it's right. I think it's right. यहाँ पे v equal to v. बस ये करना है खाली। एक बार ये रूलर मारूं कि समझ गए हो? Please tell me. रूलर मारूं कि समझ गए हो ये? So understood. HM 5. HM 6 is given. 6 तो बाद में मालूम पड़ता है हमको. 6 मालूम नहीं है. मालूम पड़ता है कि ये 6 सेकंड है, तो हाइट इन 6 सेकंड इज 176.4। अभी वेलोसिटी विद विच ही हिट्स द ग्राउंड। एक मिनट मार्ज समझा, मार्ज ओम प्रिशा बर्गेश, बर्गेश मालूम पड़ा कि बॉम्ब सर? नहीं समझा। ओके अभी ये निकलना है, तो यहाँ पे खाली मोशन फ्रॉम ए टू बी करना है। बी नीचे वाला पॉइंट है, हमको हिट्स द ग्राउंड करना है इसके लिए। Apply the formula v square equal to u square plus 2gh 2 into 9.8 into root of this and you will get the answer. Fifty-eight point eight. You are. He was right. A few.